तो चलिए बिटॉक के एक और एपिसोड को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। और आज भी भाई बहुत सारा एक्साइटिंग न्यूज निकल के आया है इंडियन फुटबॉल से जुड़े। तो आपको अगर जानना है एक्साइटिंग न्यूज, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो पहले अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले भाई आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं भीख मांग रहा हूँ, हमारा क्रिकेट स्पेशल चैनल मातिन क्रिकेट न्यूज लॉन्च हो चुका है, जाकर वहां पर भी सपोर्ट दिखाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, साथ साथ पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो जरूर वहां पर सपोर्ट दिखाइए भाई, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब चाहिए, तभी भाई वॉच टाइम बढ़ेगा तो मोनेटाइजेशन ऑन होगा, और मोनेटाइजेशन ऑन होगा तो काम करने में मज़ा आएगा। फटाफट जाकर सपोर्ट दिखाइए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो देखिए, आपको भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहां पर भी डेली क्रिकेट न्यूज़ में प्रदान कर रहा हूं। तो आज पहला अपडेट आ रहा है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। मुंबई सिटी एफसी के साथ एक दमदार स्ट्राइकर का लिंक अप के एक रिमर्स आ रहा है। इन्होंने अपना करियर ज्यादातर इटली में ही बिताया है, इटली के लोअर डिवीजन में सिर्फ एक क्लब भाई ब्लोग्नो को इन्होंने एक बार रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद ज्यादातर लोअर डिवीजन में ही रहा। और इसके अलावा लास्ट टाइम वो भाई स्टेफेजिया कैलेशियो के तरफ से खेल रहा था 2018 से लेकर 2021 तक। 57 मैच पे इन्होंने 16 गोल लगाया है, 16 गोल लगाया है, और बुल्गारिया के नेशनल टीम को भी भाई इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। 14 दफ़ा इन्होंने खेला है नेशनल टीम की तरफ से, और 2 गोल भी लगाया है। एक तगड़ा स्टैट के साथ एक खिलाड़ी आ रहा है, और उसके ही चलते भाई मुंबई सिटी एफसी ने उनके ऊपर नज़र दिया है। शार्दुल ओबरा भाई कुछ देख कर ही इनके ऊपर शायद इंटरेस्ट दिखाया होगा। आगे जाकर अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है इस रूमर्स के ऊपर तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। अभी भाई इस रूमर्स का परसेंटेज 66 आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई एफसी गोवा की तरफ से। एफसी गोवा ने एक इंडियन खिलाड़ी का आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है, जिनका नाम है भाई सैमसन परेरा। इनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है एफसी गोवा का। 2024 तक सैमसन परेरा जुड़ा रहेगा एफसी गोवा के साथ ही। 23 साल का एक डिफेंडर है, सालगांव की तरफ से खेला है, और लास्ट टाइम इन्होंने ज्वाइन किया था भाई एफसी गोवा को 2020 में। 4 अपीयरेंस भी इनके नाम है, और अब वो 3 और साल कंटिन्यू करेगा एफसी गोवा के साथ ही। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से। केरला ब्लास्टर एफसी ने एक नया विदेशी खिलाड़ी को साइन किया है, जिनका नाम है भाई आंद्रियान लोना। ये उरुग्वे से बिलोंग करता है, उम्र है 29 यानी कि 29 साल। अटैकिंग मिडफील्ड इनका मेन पोजीशन है। इन्होंने खेला है भाई RCD स्पेनियल की तरफ से, और ज़्यादातर लोन आउट हुआ है स्पेनिश के लोअर डिवीजन में खेला है, जैसा कि सबाडेल एफसी, यहाँ पर इन्होंने कुछ दिन खेला है। और 2019 में वो मेलबर्न सिटी को ज्वाइन किया था एलीगे क्लब, और वहाँ पर 49 मैच पे 8 गोल भी उन्होंने लगाया है। 49 मैच पे 8 गोल 2019 से लेकर 2021 तक जुड़ा हुआ था, और अब वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है केरला ब्लास्टर एफसी की टीम में। उरुग्वे के अंडर 17 और अंडर 20 टीम को भी इन्होंने एक बार रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई हैदराबाद एफसी के स्ट्राइकर एरिदने संताना को लेकर। तो भाई ऑफिशियली एरिदने संताना स्पेन के 3rd डिवीजन में शिफ्ट हो चुका है, और उस क्लब का नाम है भाई यूडी लोग्रोनेस। हैदराबाद एफसी ने उनको ऑफिशियली थैंक यू कह दिया है, हम लोग भी थैंक यू कहेंगे उनके ISL में कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर। 2019 में उन्होंने ओडिशा एफसी को ज्वाइन किया था, 14 मैच पे 9 गोल लगाया था, और गोल्डन बोट का एक बहुत ही बड़ा दावेदार साबित हो रहा था, लेकिन अपने इंजरी के चलते उनको बाहर होना पड़ा था लीग से। और उसके बाद 2020 में कमबैक किया, लीग में हैदराबाद एफसी की तरफ से खेला, 18 मैच में 10 गोल उन्होंने लगाया है, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस उन्होंने डाला था हैदराबाद एफसी की तरफ से, और मेन स्ट्राइकर बन चुका था। हमें लग रहा था कि फिर से वो ISL में कमबैक कर लेगा, हैदराबाद एफसी की टीम में तो नहीं लेकिन दूसरी टीम में जा सकता है, लेकिन भाई वो ISL से ही अब निकल चुका है, और स्पेन के 3rd डिवीजन में अब वो पार्टिसिपेट करने वाला है। और इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट अपडेट आ रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है, क्योंकि भाई जयेश राणे ऑफिशियली बेंगलुरु एफसी में शिफ्ट हो चुका है। इससे पहले वो एटीके मोहन बगान के साथ जुड़ा हुआ था, और अब वो बेंगलुरु एफसी के साथ जुड़ चुका है। तो 28 साल का एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, अटैक भी करना जानता है। 2012 में फुटबॉल में एंट्री लिया था प्रोफेशनली मुंबई एफसी के साथ, उसके बाद 2014 में वो लोन आउट हुआ था चेन्नई एफसी में, और 2016 में पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका था चेन्नई एफसी में, और वहां पर उन्होंने ISL का कप और खिताब भाई हासिल किया था। उसके बाद IGL में गया था 2017 में लोन आउट होकर चेन्नई एफसी से, और वहां पर जाकर उन्होंने भाई आई लीग को जीता है, हाँ भाई आई लीग जीता है। और उसके बाद वो शिफ्ट हुआ था भाई ATK एफसी में, 2017 से लेकर 2020 तक जुड़ा हुआ था, वहाँ पर भी उन्होंने ISL का खिताब जीता। 2020 और 21 में ATK मोहन बगान के साथ जुड़ चुका था, क्योंकि ATK मोहन बगान तब मर्ज हो गया था और शिफ्ट हो गया था ATK मोहन बगान में। मोहन बगान की तरफ से भाई ATK मोहन बगान की तरफ से 14 प्रियंस उनका है, और अब बेंगलुरु एफसी में शिफ्ट हो चुका है। तो एक चैंपियनशिप हासिल करने वाला खिलाड़ी है भाई, इनका लक बहुत ही अच्छा रहता है, जिस क्लब में वो जाता है वहाँ पर एक कप तो आता है। तो क्या बेंगलुरु एफसी नेक्स्ट
आईएसएल का खिताब जीतेगा? आपको क्या लग रहा है इस साइनिंग के बाद, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।